ऑलराइट, एप्पल कार के कॉन्सेप्ट और र्यूमर्स के बाद अब फाइनली एप्पल कार की इमेजिनेशन पॉसिबल है। ऑल्सो एप्पल रियली में एप्पल कार मे बी आई कार बनाना चाहती है एंड मे बी 2024 या फिर 2028 तक रियली में एप्पल कार मार्केट में अवेलेबल हो जाए। इवन यदि टिम कुक ने इलॉन मस्क के साथ अरेंज मीटिंग अटेंड की होती तो शायद आज टेस्ला कुछ और होती। लेकिन इससे पहले कि एप्पल इस तरह की कार रियली में बनाए, एप्पल अपनी इस इनोवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है। सो जब तक एप्पल इस तरह की कार बिल्ड करती है तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडिंग कंपनीज लाइक टेस्ला, नियो एंड रिवियन इस इनोवेशन में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और यदि एप्पल अपनी कार को बिल्ड करने में एक्स्ट्रा टाइम लेती है और उनकी कार्स फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर तो नहीं बट सेम रिजल्ट भी प्रोवाइड नहीं करती, तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंट्री एग्जिट बन गया, वैसे ही कहीं एप्पल के साथ ना हो जाए। बट फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एप्पल ब्रांड को अंडर एस्टिमेट करना रॉन्ग चॉइस हो सकती है। जैसे कि एप्पल अभी के बड़े ऑटोमेकर्स को किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर रही और एप्पल किसी भी तरह से टेस्ला या फिर मर्सिडीज को रिप्लेस करने का प्लान नहीं बना रही। एप्पल अभी के लिए केवल कार इंडस्ट्री में लग्जरी कार बिल्ड करना चाहती है एंड मे बी एप्पल फैंस एप्पल स्मार्टफोन्स की तरह ही एप्पल कार को भी किसी दूसरी ब्रांड की जगह प्रीफर करना शुरू कर दें। वेल, एप्पल फैंस की लॉयल्टी तो इग्नोर नहीं की जा सकती। मे बी यदि एप्पल कल ही मार्केट में अपनी कार लॉन्च कर दे तो शायद ही कोई एप्पल यूजर एप्पल कार्स में अनइंटरेस्टेड होगा एंड टेस्ला की तरह ही एप्पल को भी अपनी कार की एड्स पर मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी। इवन बड़ी बात यह है कि अभी एप्पल ने अपनी कार रैली में बनाई भी नहीं है बट अभी से मेजर न्यूज सोर्सेज ने एप्पल कार के लीक्स, र्यूमर्स और फीचर्स को लोगों तक पहुंचाने और ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसी चीज़ों पर काफ़ी पैसा स्पेंड करना शुरू कर दिया है। मानो जैसे कोई स्पाइडरमैन की फोटोज अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए फोटोज की डिमांड कर रहा हो। इमेजिन कीजिए तब क्या होगा जब एप्पल की कार सबके सामने रिवील हो जाएगी। शायद उस दिन सभी न्यूज़ चैनल पर ओनली एप्पल कार से रिलेटेड न्यूज़ ही दिखाई जाएगी। न्यूज़ के अलावा जिस दिन ऐसा होगा उस दिन टीवी के साथ साथ यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज पर भी एप्पल कार से रिलेटेड वीडियोज ही ट्रेंड कर रही होंगी। इस तरह से एप्पल को अपने कस्टमर्स तक अपने न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि एप्पल कार के कॉम्पिटिटर्स ल्यूसिड, रिवियन और फ्यूल सेल की किस्मत ऐसी नहीं है। मैसिव मार्केटिंग रीच के साथ साथ एप्पल के पास अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी बड़ा बजट मौजूद है जो अदर कंपनीज के पास नहीं है। इवन 2021 की शुरुआती महीने में एप्पल के पास $195.5 बिलियन कैश रखा हुआ था और यदि आपको लगता है कि ये कैश टैक्स पे करने के लिए एप्पल ने अपने पास रखा था तो आप गलत हैं। लेकिन यदि कोई कंपनी इस तरह का बड़ा कैश अमाउंट अपने पास रखती है तो उसका क्या रीज़न होगा? वेल, इस टॉपिक को हमने अपनी रीसेंट वीडियो में अच्छे से कवर किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस तरह के फाइनेंशियल पोजीशन के बाद एप्पल जैसी कंपनीज को न्यू प्रोडक्ट के डिज़ाइन, रिसर्च और डेवलपमेंट को शुरू करने में कम से कम समय लगता है, इसलिए एप्पल इस तरह के प्रोडक्ट को बिल्ड करना इजीली अफोर्ड कर सकती है। और जब तक टेस्ला कार्स के सेल्फ ड्राइविंग मोड बीटा मोड में होने के कारण डेवलप हो रहा है तब तक एप्पल अपनी कार के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में चेंज करने के लिए अच्छे से काम कर सकती है और शायद एप्पल टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग से बेटर सेल्फ ड्राइविंग मोड भी डेवलप कर ले। और यदि ऐसा नहीं होता तो एप्पल जब तक चाहे अपनी कार को परफेक्ट करने के लिए अपनी कार पर वर्क कर सकती है जो एप्पल की तरह किसी भी ट्रिलियन डॉलर कंपनी के लिए बिल्कुल भी ईजी है। एंड एक और थिंग जिसे कंसीडर करना काफ़ी ज़रूरी है वो है एप्पल के पास मौजूद बेस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी सैलरी देती है। जैसे कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एवरी ईयर 1.2 करोड़ से लेकर 4.8 करोड़ की कंपनसेशन देती है जिस कारण बहुत से लोग एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। बट ऐसी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ इस तरह की सैलरी को डिजर्व भी करते हैं जिसका रीज़न है ऐसी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ पर पड़ने वाला वर्कलोड। टेस्ला और एप्पल की तरह ही फेसबुक और गूगल भी अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेटर सैलरी ऑफर करते हैं और इस तरह से ही ऐसी बड़ी टेक कंपनीज़ अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी की ओर अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की वजह से ही एप्पल अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड के बेस्ट AI और मशीन लर्निंग डेवलपर्स को हायर कर सकती है। सिंस टेस्ला ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है तो एप्पल चाहे तो टेस्ला की हेल्प से अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज करने के लिए और भी तेज़ी से काम कर सकती है और यदि ऐसा होता है तो एप्पल डेफिनेटली टेस्ला से भी बेटर ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में सक्सेसफुल हो सकती है। आफ्टर ऑल एप्पल कंपनी के मोटो के अकॉर्डिंग ऐसा जरूर होना चाहिए। वेल, यदि ऐसा होता है और आपको कोई एक इलेक्ट्रिक कार चूज करनी होगी तो आप एप्पल कार चूज करेंगे या फिर टेस्ला कार? वेल, आई गेस ज़्यादातर लोग जो ऑलरेडी एप्पल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो लोग एप्पल कार को ही चूज करेंगे जिसका रीज़न मे बी एप्पल इकोसिस्टम हो सकता है।
वर्ल्ड में बहुत से लोग आईफोन, एप्पल वॉच, ईयरपॉड्स एंड मैकबुक इस्तेमाल करते हैं बिकॉज एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, जिस कारण एप्पल यूजर्स ऑलवेज एप्पल इकोसिस्टम में रहने के लिए एप्पल प्रोडक्ट्स को ही चूज करते हैं। इवन इस टाइम भी बहुत सी गाड़ियाँ एप्पल कारप्ले सर्विस को सपोर्ट करते हैं। सो यदि एप्पल कार में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई तो ये टेक्नोलॉजी अभी के कारप्ले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। एंड मे बी एप्पल अपनी कार के लिए कम्प्लीटली न्यू सॉफ्टवेयर बिल्ड करे जो पूरी तरह से ओनली एप्पल सॉफ्टवेयर को ही सपोर्ट करे, जो एप्पल कार की चार्जिंग के समय कार में बैठे लोगों को कार में गेम या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखने का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही जो लोग एप्पल इकोसिस्टम में फंसे हुए हैं उन लोगों के पास बंच ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं, और साथ ही ऐसे लोगों ने बहुत से एप्पल सर्विसेज को भी सब्सक्राइब किया होता है, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, आईक्लाउड एंड एप्पल आर्केड। एंड जैसा कि एप्पल यूजर्स के साथ साथ सभी एंड्रॉयड यूजर्स जानते हैं, एप्पल हमेशा से अपने सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स को अच्छे से इंटीग्रेट करते आया है, जो एप्पल के लिए ऐसा अपनी कार के साथ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। और यदि एप्पल ऐसा करती है, जिसका होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एप्पल यूजर्स ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए पे करने के लिए मोर देन हैप्पी होंगे, केवल इसलिए ताकि उनके सभी एप्पल प्रोडक्ट्स और उनकी एप्पल कार सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल एयरपॉड्स वर्ल्ड के फर्स्ट वायरलेस हेडफोन्स नहीं हैं, और एयरपॉड्स की तरह ही मार्केट में दूसरे हेडफोन्स सिमिलर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जिनकी कॉस्ट एयरपॉड्स के प्राइस से 50% लेस होती है, बट फिर भी वर्ल्ड में एयरपॉड्स सबसे बेस्ट एंड मोस्ट प्रिफर्ड हेडफोन कंसीडर किया जाता है, जिसके पीछे दो रीज़न हैं। फर्स्ट, एयरपॉड्स काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल दिखते हैं, एंड सेकेंड, एयरपॉड्स सभी एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। एंड इस तरह की प्रोडक्ट चॉइस एप्पल कार में भी देखी जा सकती है, जो एवरी ईयर हजारों कस्टमर्स को एप्पल इकोसिस्टम में एंटर करने के लिए या फिर एप्पल इकोसिस्टम से ज्वाइन रहने के लिए अट्रैक्ट करेगा। और यदि एप्पल ऐसा नहीं करती तो एप्पल प्रोडक्ट्स में और भी फीचर्स हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन। बहुत से लोग टेस्ला कार्स को ओनली इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज उन्हें टेस्ला कार्स का यूनिक मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे अचीव करना एप्पल के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इवन काफ़ी लोगों का कहना है कि टेस्ला को अपनी कार इस तरह से डिज़ाइन करने की इंस्पिरेशन एप्पल प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिज़ाइन से ही मिली थी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यदि ऐसा सच है तो तब क्या होगा जब एप्पल कार्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी? उस समय क्या लोग मार्केट में ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के अवेलेबल होने के बाद भी किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे? वेल, मे बी यदि एप्पल अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह ही अपने कार के प्राइजेस भी सुपर एक्सपेंसिव रखेगा तो। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय कार को मैन्युफैक्चर करने की है, और एप्पल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रियल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर डिपेंड रहने का डिसीजन लिया है। इवन रूमर्स के अकॉर्डिंग एप्पल अपनी कार को बनाने में हुंडई की मदद लेने वाली थी, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। एंड लकी फॉर अदर्स, इस रूमर का सच काफ़ी जल्दी सबके सामने आ गया, जिसके बाद रूमर्स के अकॉर्डिंग एप्पल अपनी कार डेवलपमेंट के लिए निसान की हेल्प लेने लगी, जो अगेन जस्ट रूमर्स थे। आपको क्या लगता है, एप्पल को कौन से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए? वेल, जिस तरह एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करती है, उस क्वालिटी को वर्ल्ड की कुछ ही कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि BMW या फिर मर्सिडीज। बट एट द एंड इन सभी इश्यूज का डिसीजन एप्पल को ही लेना है, और एप्पल ने ये क्लियरली स्टेट किया है कि वो अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करेगी, ताकि वो किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली स्टार्टिंग चैलेंजेस को अवॉइड कर सके। और साथ ही एप्पल अपनी कार एवरी ईयर ओनली 1-2 लाख कस्टमर्स के लिए ही बिल्ड करना चाहती है। एनीवेज, एक और रीजन जिस कारण हमें एप्पल कार के विजन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो है एप्पल कितना ज़्यादा अपने कार कॉन्सेप्ट को सीरियसली कंसिडर कर रही है। इवन एप्पल इंसाइडर के अकॉर्डिंग एप्पल ने अपनी कार की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए 1000 लोगों को ऑलरेडी काम पर लगा रखा है, जिसमें एनवीडिया के फॉर्मर AI लीडर और टेस्ला के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जैसे इंपॉर्टेंट लोग एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इवन रिसेंटली एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को परचेज करना शुरू कर दिया है, जो शायद एप्पल कार के ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो अभी तक इन सभी पॉइंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि एप्पल काफ़ी जल्द ना सही बट डेफिनेटली एक बेटर EV को सबके सामने लेकर आने वाली है। बट एक मेजर अपॉर्चुनिटी जिसका एडवांटेज एप्पल ज़रूर लेना चाहती है, वो है लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपनी जगह बनाना। सिंस टेस्ला काफ़ी लंबे समय से अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इम्प्रूव करती आई है, बट करंटली टेस्ला कंज्यूमर कार मार्केट से एग्जिट करना चाहती है, जिसके लिए टेस्ला ओनली गवर्नमेंट से अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की अप्रूवमेंट का वेट कर रही है, जिसके बाद ऐसा नहीं है कि टेस्ला कार बनाना बंद कर देगी, बट सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की अप्रूवमेंट मिलते ही टेस्ला ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगी जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे,
जैसे कि एक टेस्ला कार के सेल के बाद टेस्ला को ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 10,000 डॉलर का प्रॉफिट जनरेट होता है, और यदि टेस्ला अपनी कार्स को रोबो टैक्सी जैसे नेटवर्क में इस्तेमाल करे तो उनका प्रॉफिट 5 to 6 times इंक्रीज हो सकता है, जो किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियली ज्यादा सेंस बनाता है। एंड इस तरह के नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद इलॉन मस्क ने ये जरूर कहा है कि टेस्ला नॉर्मल कार्स को बनाना बंद नहीं करेगी, जिसका मतलब है टेस्ला कार्स को परचेज करना फ्यूचर में भी पॉसिबल होगा, बट फ्यूचर में शायद टेस्ला कार्स के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में टेस्ला मॉडल एस के प्राइस 70,000 to 80,000 डॉलर से लेकर $170,000 to $180,000 तक इंक्रीज हो सकते हैं। एंड जैसा कि हम एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, एप्पल अपनी कार के प्राइसेस भी टेस्ला मॉडल एस के फ्यूचर प्राइसेस के इक्वल रखने का प्लान बना रही है, और यदि ऐसे रूमर सच में सही होते हैं तो शायद बायर्स टेस्ला की जगह एप्पल कार को परचेस करना शुरू कर दें, बट कोई भी न्यू कार टेस्ला के एग्जिस्टिंग मॉडल्स को रिप्लेस करे ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। बट हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और अभी भी इस इंडस्ट्री में कोई भी मेजर डोमिनेटिंग कंपनी नहीं है। सो यदि एप्पल शुरुआती टाइम में अपनी कार के थ्रू ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं भी कर पाती तो भी फ्यूचर इंप्रूवमेंट एप्पल कार के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन कर सकता है। सो मे बी एप्पल कार का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।